ये नट क्रैकर्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो जाओ करते हैं ब्रेकफास्ट। यहाँ पर कोई काम नहीं है, बस ऐसे ही पड़े रहते दिन भर। जबकि गांव में होते ना तो फार्मिंग के काम से मतलब फार्म पर जाते रहते हैं, कभी इस फार्म पर कभी उस फार्म पर। पपीता की सब्जी बनाई रानी ने, और ये पुराना सेक दिया है यहाँ पर रानी ने ऑलरेडी, सलाद रख रखी है। चलो जी दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं खाने की। लो जी मेरा लंच हो गया है, और रानी अपना लंच ले आई है करने के लिए। तो रानी रेडी है अपना लंच करने के लिए। रानी मतलब बिग बॉस देखने कितनी आ गई है, देखो खाना खाते वक्त भी मतलब सच नहीं है ये भी। तो ठीक है, जब तक तो रानी लंच कर रही है तब तक तो मैं अपने रूम में आकर लेट लेता हूँ, आराम बढ़ रहा करता है हूँ। आगे की तरफ और पता नहीं कहाँ जाना है। बस चले जा रहा है, चले जा रहा है। रात के 9:15 बज चुके हैं और संदीप जी हमारे पास आ गए हैं। फाइनली इतना वेट करने के बाद एक थाली आ गई है। ये देखो थाली में क्या क्या है, ये किसी सब्जी अरे है? मैं इसको बंगाली बोलता था। नहीं बंगाली है। बंगाली है? अच्छा। मैं इसको बंगाली समझता था। और ये स्पंज। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई सुबह में फिर से आपका स्वागत है, और रानी के घर पर ही हूँ आज। आज तो दूसरी सुबह है, और यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर रानी ने ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया है। ये देखो ये लगा दिया है, ये ब्रेड लगा दी रानी ने, और ये मेरी चाय है, और मुझे ये नट क्रैकर्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो आ जाओ करते हैं ब्रेकफास्ट। तो दिन की शुरुआत बस ब्रेकफास्ट करने से होते हैं, नट क्रैकर्स से मतलब ब्रेकफास्ट की शुरुआत करते हैं। मेरे सबसे फेवरेट नट क्रैकर्स। वाह कड़क चाय है एकदम। 1 hour later। यहाँ पर कोई काम नहीं है, बस ऐसे ही पड़े रहते दिन भर। जबकि गांव में होते ना तो फार्मिंग के काम से मतलब फार्म पर जाते रहते हैं, कभी इस फार्म पर कभी उस फार्म पे, या कभी फार्म हाउस पर और कभी घर पर। तो बस चहलकदमी होती रहती है पूरे दिन भर, लेकिन यहाँ पड़े पड़े ना बोर हो जाते हैं। तो रानी से मैंने बोला कि रानी चल बाहर को चलना है घूमने के लिए। तो रानी तैयार कर रही है लंच के लिए, मैं खाता हूँ। रानी लंच तैयार कर रही है, तो जैसे ही लंच तैयार हो जाएगा उसके बाद हम लोग जाते हैं बाहर घूमने के लिए, ब्लॉगिंग करने के A few moments later। लिए। लो जी लंच तैयार हो गया है, रानी आवाज़ लगा रही है, भैया अपनी थाली ले जाओ। तो चलो चलते हैं। और दिखाता हूँ आपको ये रानी क्या क्या है। ये पपीता की सब्जी बनाई रानी ने, और ये पुराना सेक दिया है। अरे वाह ये क्या चल रहा है, बिग बिग बॉस ओटीटी, बॉस OTT, ये कौन है ये विशाल है, ना ये लड़की है? सना मकबूल। अच्छा सुना ये। तो उठाते हैं अपनी थाली और चलते हैं, इत्मीनान से बैठकर खाते हैं। यहाँ पर लो जी, यहाँ पर रानी ने ऑलरेडी सलाद रख रखी है, और शुरू करते हैं पहले खीरा से। तो जिस किसी का लंच नहीं हुआ अभी तो वो आ जाओ, करते हैं लंच। चलो जी दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं खाने की। तो काफी टेस्टी है पपीता में नींबू डालकर, और ज्यादा अच्छा लगने लगा, खट्टा खट्टा सा। लो जी मेरा लंच हो गया है, और रानी अपना लंच ले आई है करने के लिए। तो रानी रेडी है अपना लंच करने के लिए। देखो तो बस जैसे रानी लंच कर लेती है अपना,
उसके तुरंत बाद हम निकलते हैं मार्केट के लिए, और मार्केट में जाकर मतलब देखते हैं यहाँ पर ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग करेंगे कुछ शॉपिंग वगैरह करेंगे। तो ठीक है, रानी को लंच करने देते हैं, उसके बाद निकलते हैं घर से। मैं आपको दिखाता हूँ कि रानी मतलब बिग बॉस देखने कितनी आ रही है। देखो खाना खाते वक्त भी मतलब सच चल रही है, ये बिग बॉस देख रही है। तो ठीक है, जब तक तो रानी लंच कर रही है तब तक तो मैं अपने रूम में आकर लेट लेता हूँ, आराम कर लेता हूँ। उसके बाद निकलते हैं मार्केट के लिए ब्लॉगिंग करने के लिए। 1 hour later लो जी, हम निकले हैं घर से और बस जा रहे हैं ब्लॉगिंग करने, और पढ़ रहे हैं आगे की तरफ, मार्केट में जा रहे हैं, वहाँ पर मतलब जो भी है मतलब ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग करेंगे और घूमेंगे, बढ़ रहा है आगे की तरफ और पता नहीं कहाँ जाना है बस चले जा रहा है, चले जा रहा है। ठीक है, देखते हैं पहुँचते हैं कहाँ पहुँचते हैं। 1 hour later यहाँ पर आए हैं मार्केट में अपने फार्म हाउस के लिए मतलब सोफ़ा देखने के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारे सोफे सोफ़ा हैं, तो फार्म हाउस के लिए मतलब देखते हैं कौन सा सोफ़ा मतलब सूटेबल रहेगा। ये देखो के 9:15 बज चुके हैं और संदीप जी भी हमारे पास आ गए हैं, क्योंकि लेट हुए काफ़ी तो बस ऐसे घूमते रहे। तो मतलब संदीप जी बोल रहे थे कि घर पर जाकर खाना वाना बनाएंगे तो लेट हुए काफ़ी और ज़्यादा, तो क्यों ना यहाँ पर खाकर चलें। तो संदीप जी और रानी मतलब अंदर होटल में पहुँच गए हैं, अब मैं जा रहा हूँ बस गाड़ी लॉक करके अपना ब्लॉग बनाने के लिए मतलब लास्ट क्लिप लेने के लिए रुक गया हूँ यहाँ पर। तो बस पहुँच रहा हूँ अंदर और खाना वाना खाकर निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि मेरा जो माइक है ना मतलब उसकी बैटरी डाउन हो गई है, तो इसलिए विदाउट माइक को मतलब मैं वीडियो बना रहा हूँ, देखते हैं क्वालिटी कैसी आती है आवाज़ की। तो कोई नहीं, चलो चलते हैं, गाड़ी लॉक करता हूँ और चलते हैं मतलब अंदर होटल में। आ गए हैं अंदर, यहाँ पर थाली का ऑर्डर कर दिया, तो बस इंतज़ार कर रहे हैं जैसी थाली आती वैसी खाना खाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। तब तक मतलब मैं अंदर जा रहा हूँ, हैंड वॉश करके आता हूँ। फाइनली इतना वेट करने के बाद एक थाली आ गई है, ये देखो थाली में क्या क्या है। ये किसी सब्जी है, कढ़ाई पनीर हुई है, मिक्स वेज नहीं है, ये शाही पनीर है क्या, ये उड़द की दाल है, दाल मखनी है, ये चावल, ये रायता, ये रोटी और ये सलाद। तो शुरुआत करते हैं सलाद से। दूसरी थाली याद की, रानी बिजी है क्या वीडियो बनाई है मैंने तुम्हारी मेरी शॉर्ट वीडियो बना दी रानी ने तो आ जाओ पहले खाना खाते हैं। लो जी रानी की भी थाली आ गई है, यहाँ पर पापड़ सबसे लास्ट में मिले, अदरवाइज पापड़ से ही शुरुआत करते हैं। पापड़ सही है, ज़्यादा कड़वा नहीं, बाकी वहाँ पर आप खाए ना तो ज़्यादा कड़वा था वो। गाने लगी पड़ी है मेरी वीडियो बनाने में, संदीप जी थाली। लो जी खाना हो चुका है, खाने के बाद मतलब मिठाई आई है, तो ये स्पंज वाला है, ये बंगाली और संदीप, अच्छा बंगाली, ये रसगुल्ला। अरे मैं इसको बंगाली बोलता था, नहीं बंगाली है, बंगाली है अच्छा
मैं इसको बंगाली समझता था और ये स्पंज। तो ठीक है, खाते हैं और खाने के बाद निकलते हैं यहाँ से। One hour later. लो जी दोस्तों, आ गए घर पे। काफ़ी लेट हो गए हैं, रात में करीब 12:30 बजे हैं। तो बस सोते हैं, लाइट ऑफ करने के बाद सो जाएंगे। तो ठीक है, आज का ब्लॉग बस यहीं तक रहने देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, बिंदास रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय बाय, हैव अ गुड नाइट विद सर टिम्स एंड लव यू ऑल।